देखिए साहब, बड़े अफसोस की बात है कि कल तक जो है गांधी हॉस्पिटल जो है न्यूज़ में था कि मुर्दे एक्सचेंज हो जा रहे हैं, डेड बॉडीज़, और जिंदा लोग लापता हो जा रहे हैं वहाँ से। कई दिन से जो है, पिछले एक हफ्ते से गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा, जो COVID-19 के लिए पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है और एक्सपर्ट हॉस्पिटल इन तेलंगाना है चेस्ट डिजीजेस के लिए, वहाँ पर आज से दो दिन पहले जो है रवि कुमार नामी एक पेशेंट अपना सेल्फ वीडियो बनाया और तड़प रहा था कि मुझे जो है ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, मुझे वेंटिलेटर नहीं लगाया जा रहा है। वो मर गया। मरने के बाद में जो है उसकी बॉडी उसके फैमिली को हैंडओवर कर दिए, और एक कोविड पेशेंट की बॉडी हैंडओवर करते हुए पूरे फैमिली को जो है ये लोग परेशानी में डाल दिए। दूसरी चीज़ ये हुआ कि बाद में और एक वीडियो आया जिसका नाम है सैयद वसीम। एक सैयद वसीम वीडियो बनाकर ये पेश कर रहे थे कि मुझे मेरा इलाज सही नहीं हो रहा और पूरे वार्ड में कोई नहीं है, देर इज़ नो डॉक्टर्स, देर इज़ नो इमरजेंसी हेल्थ स्टाफ, कोई नहीं, अकेला सैयद वसीम तड़प रहा था वहाँ पर। उसका भी एक वीडियो मंदिर यहाँ पर आया। तो हमारा मुतालबा, ऑन बिहाफ ऑफ इम्यूनिटी आई डिमांड, हमारा मुतालबा है कि ये जो रवि कुमार का डेथ हुआ इसके अंदर कई लैकुना है। उसके अंदर पहले तो ये है कि उसका इलाज क्यों नहीं हुआ, उसको वेंटिलेटर क्यों नहीं दिया गया, उसको ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया, और उसकी बॉडी एक कोविड पेशेंट की बॉडी फैमिली को दे दिए, जिसकी वजह से बरियल में जितने लोग शरीक हुए पूरे प्रोन टू द डिजीज एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बन गए। दूसरी चीज़ जो है, सैयद वसीम का कैसा डेथ हुआ, पूरा वार्ड में आप देखिए एक लहर चल रही है कि कहीं पर भी जाओ बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है बोल रहे हैं ये लोग। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ बेड नहीं है। लेकिन सैयद वसीम जो अपने दोस्त को वीडियो भेजे उसमें अलानिया बता रहा है कि पूरा वार्ड खाली है, पूरे बेड खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो क्या इंटेंशनली ये लोग बेड्स नहीं दे रहे हैं क्या हॉस्पिटल अथॉरिटी, समझ में नहीं आ रहा। आई डिमांड कि इसके ऊपर सिटिंग हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी होना चाहिए और रवि कुमार और सैयद वसीम के फैमिलीज को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया गवर्नमेंट कंपनसेशन देना चाहिए। उनकी लापरवाही से ये दो लोग मरे।